AIDYO के जिला अध्यक्ष रविंद्र मंडल के आवास पर एक बैठक आहूत की गई, जिनमें बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी, पदों में कटौती, परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा परीक्षा फलों में धांधली के खिलाफ 17 अक्टूबर 2021 को 5वां बिहार राज्य सम्मेलन मोती झील मुजफ्फरपुर में तैयारी होने का निर्णय लिया गया है। देश में बढ़ रहे बेरोजगार पर बोलते हुए AIDYO ऑल इंडिया के ऑफिस सेक्रेटरी ज्ञानुतोष परमानिक कहे कि केंद्र सरकार सभी सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण कर रहे हैं, रिक्त पदों पर बहाली नहीं हो रही है, रिटायरमेंट के बाद पदों का समाप्त किया जा रहा है, परीक्षा लेने के बाद नियुक्ति नहीं की जा रही है। ऐसे में देश भर के बेरोजगार युवा नौजवान लगातार जन आंदोलन में कूद रहे हैं। इसे शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों का भी समर्थन की जरूरत है। देशव्यापी जन आंदोलन विकसित करने में हम इन सबको मदद कर सकते हैं। इस मौके पर पंकज पीमत, प्रीतम, सुभाष कुमार, रवीश कुमार, पिंटू कुमार, युवा आंदोलन निर्मित करने के पिंटू कुमार, रणवीर कुमार, धीरज कुमार, अरविंद कुमार, गोलू कुमार, सभी ने राज्य सम्मेलन को सफल बनाने के लिए AIDYO के सदस्यता ग्रहण कर बेरोजगारी के खिलाफ जन आंदोलन निर्मित करने का संकल्प लिया। इस संबंध में रविंद्र मंडल ने कहा कि जितनी भी सरकारी संस्थान हैं वो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सभी पद को नदारद की जा रही है। सरकार बाध्यता होगी। गुप्त न्यूज़ के लिए बरियारपुर से नरेश आनंद की रिपोर्ट।